हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल शाइनिंग डूड एंड ममाज़ हब। आई होप कि आप सभी लोग हेल्दी एंड सेफ होंगे। तो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ LKG क्लास का सिलेबस ऑफ फ्लिंटो क्लास। तो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, सो दैट यू विल गेट अ नोटिफिकेशन ऑफ ऑल आर अपडेटेड वीडियोज। तीनों ही सब्जेक्ट्स इंग्लिश, मैथ्स एंड EVS का जो सिलेबस है फ्लिंटो क्लास का, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वैसे किसी भी स्कूल का जो सिलेबस होता है बच्चों का, वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। बस जो पढ़ाने का टेक्निक होता है या जो कॉन्सेप्ट होता है, वो थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। अगर आप बच्चों को घर पर पढ़ा रहे हैं तो आप इस सिलेबस को रेफर कर सकते हैं उनको पढ़ाने के लिए। इंग्लिश का जो पहला टॉपिक है, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू लेटर्स। बच्चों को लेटर्स मीन्स अल्फ़ाबेट इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं। वैसे तो बच्चे नर्सरी क्लास में भी लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स पढ़ चुके होते हैं, तो बच्चों को अगेन एज अ रिविज़न लेटर्स इंट्रोड्यूस कराया जाता है। फ्लिंटो क्लास में जो लेटर्स इंट्रोड्यूस कराने का जो पैटर्न है, उसमें हर एक सेशन में वो एक या दो अल्फ़ाबेट्स लेते हैं, जिसको फोनिक साउंड्स के साथ ही वो इंट्रोड्यूस करते हैं, एज वेल एज स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स की ट्रेसिंग भी करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें लाइक इंट्रोडक्शन, फोनिक साउंड एंड ट्रेसिंग ऑफ लेटर्स, ये पैरेलली चल रहा होता है। इस तरीके से बच्चे एक साथ लेटर ट्रेसिंग, फोनिक साउंड्स और जो भी रिकॉग्निशन है वो एक साथ सीख लेते हैं। और ये लेटर इंट्रोडक्शन, फोनिक साउंड, ये सब चीज़ें एक्टिविटीज़ के थ्रू ही कराई जाती हैं, तो बच्चे काफ़ी फन एंड इंटरेक्टिव वे में लेटर्स और फोनिक साउंड सीखते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है, रीइंफोर्स द लर्निंग ऑफ फोनिक साउंड्स। इट मीन्स कि जो भी टॉपिक्स बच्चों को ऑलरेडी पढ़ा दिया है, लाइक जो भी फोनिक साउंड बच्चों को करा दिए हैं एक्टिविटीज़ के थ्रू या जो भी लेटर्स करा चुके हैं, उन्हीं को दोबारा से एज अ रिविज़न बच्चों को कराया जाता है एंड फर्दर एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, सो दैट कि उनका जो लर्निंग है वो प्रॉपर और स्ट्रॉन्ग हो सके। और साथ ही लेटर रिकॉग्निशन के लिए बच्चों को एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं और वर्कशीट कराई जाती हैं, जिनमें लेटर को आइडेंटिफाई करना होता है। बहुत सारी वर्कशीट्स होती हैं, लाइक सर्कल द लेटर, मैचिंग द लेटर्स, जैसे यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है मैच स्मॉल लेटर्स टू कैपिटल लेटर्स। इसी तरीके से कहीं पर स्मॉल लेटर्स दिए होते हैं तो बच्चों को कैपिटल लेटर्स लिखना होता है या कैपिटल लेटर्स को स्मॉल लेटर्स के साथ मैच करना है, तो इस तरीके की वर्कशीट्स दी होती हैं जिनको बच्चों को कराया जाता है। एंड देन नेक्स्ट टॉपिक इज आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स बाय नेम्स एंड देयर बिगिनिंग साउंड्स। जैसे बच्चों को फोनिक साउंड्स क्लियर होते हैं तो उसी हिसाब से बच्चों को कुछ वर्ड्स या कुछ न्यू ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करने को दिया जाता है, सो दैट कि उनके जो बिगिनिंग साउंड है बच्चे उनको आइडेंटिफाई कर पाएँ या जो एंड साउंड है उनको आइडेंटिफाई कर पाएँ। बिकॉज जो सेशंस होते हैं उनमें भी बहुत सारे न्यू वर्ड्स या न्यू ऑब्जेक्ट्स के नेम्स इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं बच्चों को। उस ड्यूरेशन में बच्चों से पूछा भी जाता है कि इसका बिगिनिंग साउंड क्या है या इसका एंड साउंड क्या है, तो बच्चे काफ़ी इंटरेक्टिव वे में इस एक्टिविटी को करते हैं। एंड जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू वर्ड्स फैमिलीज है, जिसमें AT, AN, ET, IT, UG, OT और जो भी वर्ड्स फैमिलीज होती हैं वो सारे ही बच्चों को इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं। और इनसे बनने वाले जो भी थ्री लेटर वर्ड्स होते हैं, जिनको हम CVC वर्ड्स बोलते हैं, वो भी बच्चों को साथ ही साथ रीड करना और लिखना भी सिखाया जाता है। नाउ कम्स टू द सिलेबस ऑफ मैथ्स, जिसमें पहला टॉपिक है प्री मैथ्स कॉन्सेप्ट। प्री मैथ्स कॉन्सेप्ट में बच्चों को बिग और स्मॉल, हैवी एंड लाइट, लेस एंड मोर, वन एंड मैनी, तो ऐसे ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं, जैसे टॉल, शॉर्ट, फैट, थिन, तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट बच्चों को इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू। और बहुत सारे ऐसे वर्कशीट्स होते हैं जो बच्चों को करवाए जाते हैं इसमें। देन इसमें आता है काउंटिंग अप टू 10, तो बच्चों को नंबर्स पहले सिखाए जाते हैं 1 से 10 तक, फिर काउंटिंग सिखाई जाती है किस तरीके से काउंटिंग की जाती है, तो वो भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू कवर किया जाता है। देन आता है एम्फेसिस ऑन काउंटिंग अप टू 25, इसी तरीके से 25 तक की काउंटिंग पे एम्फेसिस किया जाता है। एंड देन
उनको जो सिखाया जाता है वो ट्रेसिंग के थ्रू सिखाया जाता है पहले, देन फिर वर्कशीट्स या एक्टिविटीज़ के थ्रू सिखाया जाता है, देन अंडरस्टैंडिंग द सिक्वेंसिंग, बच्चों को जो ऑर्डर फॉर्म होता है नंबर्स का या काउंटिंग का वो सिखाया जाता है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट वर्कशीट्स के थ्रू पूरा किया जाता है, एंड देन एम्फेसिस ऑन काउंटिंग अप टू 50। इसी तरीके से 50 तक की काउंटिंग कवर की जाती है जो ट्रेसिंग के थ्रू होता है वर्कशीट में, एंड देन बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो बच्चों को करवाई जाती हैं, एंड देन अंडरस्टैंडिंग द सिक्वेंसिंग, अगेन सेम सिक्वेंसिंग सिखाई जाती है, जैसे 1 to 25 तक सिखाई गई थी वैसे ही 1 to 50 तक की सिक्वेंसिंग बच्चों को सिखाई जाती है, कि कौन ऑर्डर फॉर्म सिखाया जाता है। लाइक अगर मैं बोलूँ 30, देन वट विल कम नेक्स्ट 31, देन 32, देन 33, इस तरीके से सिक्वेंसिंग बच्चों को सिखाई जाती है, और ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ के थ्रू ही कवर होती हैं। देन लास्ट है नंबर नेम, तो 1 से लेकर 10 तक के बच्चों के नंबर्स नेम बच्चों को कवर करा दिया जाता है। एंड द लास्ट वन इज ईवीएस सिलेबस। ईवीएस का जो फ्लिंटो क्लास का सिलेबस है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिकॉज जिस तरीके से ये टॉपिक्स कवर करवाते हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू करवाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ मैथ्स और इंग्लिश की, तो उसका जो भी सिलेबस है वो बच्चों को घर पर पेरेंट्स इजीली कवर करवा सकते हैं, बट ईवीएस की बात करें तो वो थोड़ा सा टफ़ होगा, बिकॉज बहुत सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू ये टॉपिक्स कवर करवाना और सिंपली बच्चों को कोई भी टॉपिक बताना, दैट इज़ वेरी डिफरेंट। तो जस्ट लाइक माई स्कूल, माई बॉडी, माई फैमिली, फार्म एनिमल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारे टॉपिक्स इसमें कवर होते हैं। इन टॉपिक्स को पहले वो किसी डिस्कशन के थ्रू इंट्रोड्यूस करते हैं बच्चों को, देन डिस्कशन के बाद एक प्रॉपर एक्टिविटी करवाई जाती है जिसमें बच्चे फुली इंगेज्ड रहते हैं और उससे ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें बच्चे लर्न कर लेते हैं। देन फर्दर एक एक्टिविटी कराई जाती है, रिविज़न एक्टिविटीज़ होती हैं सेम टॉपिक पर, एंड देन एक स्टोरी बुक प्रोवाइड की जाती है फ्लिंटो क्लास के थ्रू। उस स्टोरी बुक के थ्रू वो टॉपिक कवर करवाया जाता है, हर टॉपिक से ऑलमोस्ट रिलेटेड स्टोरीज भी होती हैं, तो बच्चे काफ़ी इन्वॉल्व एंड एंगेज रहते हैं उन टॉपिक्स को कवर करने में। जस्ट लाइक ये कुछ ड्राइंग्स एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं टॉपिक्स को कवर करने के बाद, तो ये काफ़ी फुली इंगेज्ड एक्टिविटीज़ के थ्रू ही ये टॉपिक्स कवर करवाते हैं, तो बच्चे काफ़ी इन्जॉय करते हुए टॉपिक्स को लर्न करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे बहुत सारे टॉपिक्स, एनिमल्स, बर्ड्स, गार्डन, नॉन लिविंग, लिविंग थिंग्स, स्काई एंड स्पेस, सीजन्स, पब्लिक प्लेसेस एक्सेट्रा, तो ये सारे ही टॉपिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इंट्रोड्यूस कराया जाता है बच्चों को। So guys, this is all about LKG syllabus of Flinto class. I have uploaded some videos of my kids learning from Flinto class. You can check out those in our channel page. If you have any queries, do let me know in comment section. Thank you for watching.